चलिए बच्चों, आज केवीएस मैथमेटिक्स का जो 23 दिसंबर को 2018 में पेपर हुआ है, अभी हुआ है, उसका पहला पार्ट हम लोगों ने अपलोड किया है, उसको आप देख सकते हैं। बहुत ही लोगों ने उसको अप्रिसिएट किया है। आज उसका सेकंड पार्ट हम लोग डिमांड पर अपलोड कर रहे हैं, बना रहे हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ ले रहे हैं, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x - 60 बराबर 0। ऑप्शंस आपके सामने, माइनस 4 होगा क्या, 6 होगा, 5 होगा, 3 होगा। सॉल्यूशन स्ट्रेट फॉरवर्ड तुरंत आपके सामने यहां पर हाजिर करते हैं। इसके फैक्टर अगर किए जाएं, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि सॉल्यूशंस जो आएंगे उनको सिंपल सम करना है। तो आप फैक्टर देख लें, 60 यानी x प्लस 10 और x माइनस 4, x माइनस 6 बराबर 0। गॉट इट? थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा। x बराबर माइनस 10 आया और x बराबर 6 आया। उसने बोला कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज, तो माइनस 10 प्लस 6, ऑप्शन आपके सामने ए ऑप्शन सही था, इजी था, क्वेश्चन को पेशेंसली करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आप बने रहिए, ऐसे सब धुआंधार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए, सेट थ्योरी। सेट थ्योरी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सेट थ्योरी क्वेश्चन लगभग एक जैसे आते हैं। एक क्वेश्चन का कौन सा समझ गया, सारे समझेंगे। फटाफट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 55 स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे हमने यूनिवर्सल सेट लिया है, तो हमेशा सर्वे किया गया होता है, तो आप उन एलिमेंट्स को 55 यानी कि पूरे टोटल एलिमेंट 55 है, जैसे कि यहाँ दिखाया है। फिर आगे पढ़िए, इट इज फाउंड दैट 30 स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर ए को रीड कर रहे हैं, तो 30 स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर ए हो गया और 20 स्टूडेंट न्यूज़पेपर बी को रीड कर रहे हैं, और बोथ यानी ए इंटरसेक्शन बी, इतना डेटा दिया गया है, और नन ऑफ द स्टूडेंट्स हमें पता करने हैं। तो देखो, ये एक्टिविटी जो होती है, ये वाली ए की है, ये वाली बी की है, ये बोथ है, तो अगर हम यहाँ टिक करें तो ये ए वाली है, ओके, ये वाली क्या है, बी की है, ये बोथ है, और ये वाली जो एक्टिविटी है, ये वाली, ये नन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो हमें वही पता करना है। कहने का मतलब, हमें नन ऑफ द स्टूडेंट मतलब ना ही ए पढ़े ना ही बी पढ़े, इसका मतलब है कि पूरे यूनिवर्सल से हमें ए यूनियन बी माइनस करना है, ठीक है। तो हम पहले ए यूनियन बी निकाल लें। देखो सिंपल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास फॉर्मूला है, तो यहाँ पर हम ऐसा कुछ ऐसा अलग से दिमाग नहीं लगाएंगे। एन ए देखो दिया गया 30 और एन बी कितना दिया गया 20 और माइनस 7, फटाफट आप घटाइए, 50 में से 7 गया कितना आया, 43 ना, हाँ बस हमें ना इधर में निकालने हैं, तो यूनियन यूनिवर्सल कितने 55 और 55 से 43 गए 12 आ गए, 12 आंसर आया कि नहीं। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, आगे भी फटाफट क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसलिए हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे और ऑप्शंस भी आपके सामने होंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं, द वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग 2 की पावर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। ऑप्शन आप देख लें, यहाँ पे के पाई है, 2k प्लस 1 पाई है, k प्लस 1 बाई 2 पाई है, और आगे ऑप्शन देख लें, 2k प्लस 1 बाई 2 पाई और k इंटीजर बिलोंग करना, जैसा कि यहाँ n रखते तो वहां पर इन्होंने k ले लिया। सॉल्यूशंस हम लोग कंटिन्यू करेंगे अभी फटाफट, और देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या है, वो कैसे जानेंगे, वो एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। यहाँ पर अगर हम साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 रख दें और कॉस स्क्वायर की वैल्यू 0 रखें, देखिए 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 0, तो 2 माइनस 1 दैट इज 1, यानी कि ये सॉल्यूशंस के पॉसिबिलिटीज हैं, ओके। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 का मतलब है साइन स्क्वायर पाई बाई 2, और कॉस स्क्वायर 0 इसका मतलब कॉस स्क्वायर पाई बाई 2। गॉट इट? अब देखिए जनरल सॉल्यूशन निकालना हो तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा हो, चाहे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा हो, यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ये देखिए याद करने पर है, ये आपको याद होना चाहिए, तो यहाँ पर दोनों से सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा, एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। ओ माय गॉड, यहाँ पर उसने एन नहीं क्या यूज़ किया, के, तो आपके सामने करते हैं के पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। अब ऑप्शन मिलाने के लिए हमने प्लस लिया, तो के और 1 बाई 2 और पाई इधर ले लिया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, सी ऑप्शन ये रहा। आगे बढ़ेंगे, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। देखिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स, क्या इसका आंसर 1 2 4 नन ऑफ दीज, जैसा कि यहाँ पे हमने हिंट दिया है,
बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स निकालना हो तो दोनों का सम बाई टू कर देते हैं, और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स निकालना तो रूट ऑफ ए बी। और एक ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी कि अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स जनरली ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। ये बहुत ही क्वेश्चन से लगते हैं। देखिए यहाँ पर हमने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, उसके बाद सारे स्टेप्स को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आंसर कैसे आएगा। यहाँ देखिए इसको हमने ए मान लिया है, पेशेंसली आप ध्यान दें, और इसको क्या मान लिया ब्रेक। तो हमने यहाँ पे जैसे लगाया है a प्लस बी बाई टू, तो यहाँ पर a प्लस बी बाई टू बराबर रूट ऑफ ए बी, तो दोनों को सीधे मल्टीप्लाई कर दिया। गॉट इट, इतनी बात को क्लियर कर ले। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो देखो 4 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब यहाँ रूट के अंदर देखो क्या आने वाला है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इतना आपको पता होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और रूट ऑफ 4, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और इंटू 2, तो कितना आ गया 4। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, सी ऑप्शन, सी मतलब 4। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, जरूर सीखे। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और मैजिक, चलिए देखते हैं मैजिक के साथ। 5 + 12y, ध्यान देते रहे, ऑप्शन और क्वेश्चन आप पढ़ लें एक बार। स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 12y ऑप्शन है 3 + 2y, 2 + 3i, 2 - 3i, नॉन ऑफ दिस। मैजिक बिगिन। देखिए स्क्वायर रूट निकालना, तो हम लोग इसका स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर करके देखेंगे। तो कैसे देखेंगे, थोड़ा सा आपके लॉजिक पे डिपेंड करता है। जैसे ये ध्यान दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसे लिखा है, तो हम लोग लास्ट वाले इसको 2ab लिखेंगे। तो 2, अब देखो 2 चला गया तो 6 आया, 6 को कैसे लिखें, अब 6 को कैसे लिखना है ये डिपेंड करता है इस पे। तो देखिए आप 2i इंटू 3 भी कर सकते थे, 6i हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 2i भी कर सकते हो, 6 हो गया। अब देखिए मैं ऐसा करना है कि इनके स्क्वायर 5 बन जाए, तो यहाँ पर अगर इसका स्क्वायर करेंगे 9 और इसका स्क्वायर करेंगे तो -4, कितना आ गया 5, और यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो -4 और 9, तो कितना आ गया, आ, 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 ये सेम लिख गया है, ध्यान दे, कोई बात नहीं। ये कितना आएगा 4 और ये आया -9 ना, तो आई का स्क्वायर माइनस आई होता तो बताइए भाई, -5 लेना है कि 5 लेना है, 5 आंसर आ गया ना। तो देखिए इसमें तोड़ेंगे, मतलब करना है कि 2 का स्क्वायर 2i का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 2i इंटू 3। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2i प्लस 3 का होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट लेना है तो 3 + 2i। ऑप्शंस कौन सा, ए। आपको बनाएंगे नहीं क्या, ये शॉर्टकट है, आप क्वेश्चंस कोई भी इस पे अप्लाई करिए आ जाएंगे। और कैसा लगा आपको ये परफॉर्मेंस, केवीएस का सोल्यूशन कैसा लगा? आपको अगर डिमांड है तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जाएंगे। अगर आपको फटाफट इसके सोल्यूशन चाहिए तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसा कि एलटी ग्रेड में किया था। और मावला क्लासेस फुली डेडिकेटेड फॉर द एमसीए एस्पायरेंट्स, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे पीजीटी के होते हैं जो बहुत शानदार होते हैं और जिनको कोई कोचिंग या कोई मेंटर नहीं मिल रहा होता है, तो मावला क्लासेस आके वो हमारी गाइडलाइंस और हमारे गाइडेंस में पढ़ सकते हैं। बट वो अच्छे होने चाहिए, पढ़ने में उनका डेडिकेशन होना चाहिए। तो सारे पीजीटी और टीजीटी वाले बच्चों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स, आगे जो एग्ज़ाम उनके हो रहे हैं उनको अच्छा करें। और अगर आपको इस टाइप के सॉल्यूशंस या कोई मटेरियल चाहिए हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग फी पर बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है, चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा करें, बेहतर करें लाइफ में। चलिए होप सो आगे हम लोग मिलेंगे, थैंक यू। सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दें, यहाँ पे आइकन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करें अगर आपको, अगर हमारा वीडियो और हमारी चीज़ें पसंद आ रही तो।